दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों की खबर मिलने के बाद पुलिस ने इनकी घेराबंदी शुरू कर दी। तभी एक कार में सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि कार में बैठे बाकी 3 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के समय गोली से 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। सेक्टर 15 के नाला के पास में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें के 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जो कि ठक्ठक गैंग के सदस्य हैं। इसमें एक बदमाश जो कि सागर नाम का है, जिसके गोली लगने से जो घायल हुआ है। कुणाल जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुणाल, कैसे इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, ये नोएडा का जो सेक्टर 15 का इलाका है, उसके पीछे गंदे नाले के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। तब उस समय इन लोगों को रोका गया था और ये 4 लोग I-10 गाड़ी में सवार थे और इन्होंने पुलिस को फायरिंग कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है और बाकियों को हिरासत में ले लिया गया। इनसे पूछताछ जारी है। इनके ऊपर NCR में करीब 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये लोग गाड़ियों के शीशे तोड़कर और उसमें से लैपटॉप वगैरह तो ले लिया करते थे और कई इन्होंने लूट की वारदातों को भी अंजाम दिया है। और उसके बाद में अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी जो है मामले इनके सामने आ सकते हैं। जी कुणाल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अमेरिका में घरेलू मोर्चे पर मुसीबत झेल रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीन ने नई परेशानी खड़ी कर दी। चीन ने 2 नए आधुनिक हथियार बनाने का दावा किया, जिससे ट्रंप की नींद उड़ गई, क्योंकि चाइना ने आधुनिक हथियारों से लैस ड्रोन और हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल CM-401 का एयर शो के दौरान प्रदर्शन किया। दावा है कि इस मिसाइल की जद में पूरा अमेरिका आ गया। इस तरह की कैपेबिलिटी का चीन के पास होना एक बहुत बड़ी शक्ति को दर्शाता है और इससे चीन की जो क्षमता है डिफेंस की, वो काफी बढ़ जाएगी। ऐसा पहली बार है जब CM-401 मिसाइल को चाइना दुनिया के सामने लेकर आया। चीन का दावा है कि वो इस मिसाइल के जरिए अमेरिकी नेवी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी में दोनों मुल्कों की तनातनी के बीच इस मिसाइल से समंदर में चीन की ताकत काफी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल CM-401 की खूबियां, क्योंकि मीडियम साइज की ये मिसाइल बेहद तेजी से और सटीक हमला करने में सक्षम है और इसे किसी छोटे जहाज से भी लॉन्च किया जा सकता है। दावा है कि इस मिसाइल की रेंज 7 से 8,000 किलोमीटर तक है, जो Mach 6 यानी आवाज की गति से 6 गुना तक की रफ्तार से हमला करती है। इतना ही नहीं, इसे जमीन के साथ साथ समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है। चीन की इस मिसाइल के आगे एक रडार भी है, जिसका टारगेट बेहद अचूक बताया जा रहा है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कांग्रेस को सबसे बड़ा रोड़ा बताया। योगी ने कहा कि कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 2019 से पहले मंदिर पर सुनवाई न होने की याचिका लगाई है। योगी आदित्यनाथ ने इसे कांग्रेस का दोहरा चरित्र बताया। वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंदिर निर्माण पर अपनी ही सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी विकृत मानसिकता जो विकास करा तो नहीं सकती, लेकिन विकास में रोड़ा जरूर लगा सकती है, और उसने हमेशा यही किया। ये केवल आपके सूरज कुंड के निर्माण में ही बाधा खड़ी नहीं कर रही है कांग्रेस, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इस कार्य में भी सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, दिल्ली में सरकार, प्रदेश में सरकार, और कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, वो तो सरकार में नहीं है ना। पूरी मिशनरी, देश की पूरी मिशनरी पे कब्जा सरकार का होता है ना, तो दिल्ली में तो सरकार है भाजपा की, प्रदेश में भी बहुमत की सरकार है, कोई रोकने वाला भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि मुर्दा सपा पड़ी हुई है, बसपा मुर्दा पड़ी हुई है, कांग्रेस भी मुर्दा है। यूपी में एक भी आवाज़ उनकी नहीं सुनाई दे रही है, तो जब मुर्दा से आप चिल्ला रहे हो कि मुर्दा रोक रहा है, मुर्दा कहाँ रोकता है। अयोध्या केस की सुनवाई टालने के खिलाफ VHP और मंदिर मस्जिद के पक्षकार एक मंच पर आ गए हैं। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के घर राम मंदिर पक्षकार धर्मदास, इंडियन लीग के उपाध्यक्ष फहीम सिद्दीकी और लखनऊ से आए कुछ उलेमाओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि अयोध्या में अब मंदिर मस्जिद विवाद का अंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द इस मुकदमे का फैसला करना चाहिए। बैठक में तय हुआ कि राष्ट्रपति को पत्र भेजकर उनकी निगरानी में SC से इस मसले की जल्द सुनवाई करवाने की अपील करेंगे।
मंदिर मस्जिद के पक्षकार दोनों पक्षों के कुछ धर्मगुरुओं के साथ पत्र भेजने के बाद मुलाकात भी करेंगे। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज में दावा किया गया कि गुजरात के वडोदरा में एक ऐसे बाबा हैं जो पलक झपकते ही पथरी की बीमारी का इलाज कर देते हैं। इस मैसेज के साथ बाबा के इलाज करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसकी न्यूज 18 ने पड़ताल की और इस वीडियो के सच का पता लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि गुजरात के वडोदरा में पथरी की बीमारी का इलाज बिना ऑपरेशन और दवाई के मुमकिन है। ये इलाज कोई और नहीं वहाँ के एक बाबा करते हैं जिनके इलाज करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल मैसेज में जैसा दावा किया गया वैसा वीडियो में दिखा भी। बाबा ने पानी डालकर पथरी की बीमारी को देखते ही देखते सही कर दिया। इस वीडियो को जिस किसी ने देखा वो हैरान रह गया। एक आदमी ने लिखा कि किसी भी किस्म की पथरी हो ये बाबा हाथ से निकाल देता है और कोई फीस भी नहीं लेता। वायरल मैसेज में बाबा का नाम और उनका फोन नंबर भी लिखा मिला जिसके बाद न्यूज 18 ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की और वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई का पता लगाया। पड़ताल में बाबा से जुड़ी कई जानकारी सामने आई जिनमें एक बात ये थी कि वाकई ये बाबा चुटकियों में पथरी का इलाज करने का दावा करते हैं। गुजरात के वडोदरा में उनके क्लिनिक के बाहर इलाज कराने के लिए लोगों की लंबी लाइन भी लगी दिखी। इधर से में पथरी थी और साइड में दो पथरी थी। वो बापू ने इधर बैठा के वो पानी आध गुम्मा के पानी डाल के उसको निकाल दिया। हाथ से पथरी निकालने वाले बाबा ने भी न्यूज 18 से यही दावा किया कि उनके पास कई चमत्कारी शक्तियां हैं लेकिन वो इलाज करने के अपने तरीके के बारे में कुछ नहीं बोले। मेरे भगवान की गिफ्ट है और वो करता हूँ मैं। पथरी में एक मंत्र द्वारा निकालता हूँ। 5 या 10 रिटर्न कोई ऐसा होता है कि जो रिटर्न आता है, बाकी अभी तक कोई ने ऐसा नहीं बोला है कि भाई मेरे से मेरी पथरी नहीं निकली। हालांकि मुंबई के नानावटी अस्पताल ने बाबा के वीडियो को फर्जी बताते हुए उसे उनके हाथ की सफाई करार दे दिया। अब जो जादूगर है वो हाथ की सफाई करके कुछ भी दिखा सकता है। चमड़ी के थ्रू कभी पथरी नहीं निकलती है। जिस पथरी को निकलना होता है वो अपने पेशाब के नॉर्मल रास्ते से बाहर आती है। मुंबई के जेजे अस्पताल ने भी इस वीडियो को सही मानने से इनकार कर दिया और बाबा के इलाज को लोगों को गुमराह करने वाला बताया। पथरी की बीमारी पर की गई कई रिसर्च में भी बाबा का दावा खरा नहीं उतरा, यानी वायरल हो रहे मैसेज की बातें गलत निकली। हालांकि अब भी कई लोगों में ऐसा विश्वास है कि बाबा हाथ लगाकर पथरी का इलाज कर देते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। अजीत रे नाम का नक्सली महाराष्ट्र से नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने का काम करता था। मूल रूप से बंगाल का रहने वाला और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1992 से सक्रिय अजीत रे किसी बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहा था। हाल ही में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सली नेताओं का ये बेहद खास था। गढ़चिरौली से एक अजीत रे नाम के आदमी को अरेस्ट किया है। अजीत रे के पास से 45 कार्टिजेस मिले हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि इस साल 12 जुलाई को स्पेशल सेल की एक टीम ने रामकृष्ण सिंह नाम के एक बिहार के आदमी को अरेस्ट किया था जिसके पास से 407 कार्टिजेस मिले थे। ये कार्टिजेस इंसास के एसएलआर के 303 के और 0.32 के थे और ये इनकी डिलीवरी ये दिल्ली में पकड़ा गया था। वन ऑफ द रिसिपिएंट्स जो था इनका वो था अजीत रे। मुंबई के बसई में एक ट्रेन के ड्राइवर ने बिना किसी मंजूरी के अपनी मर्जी से ट्रेन रोक दी। दावा किया गया कि ड्राइवर ने टॉयलेट करने के लिए पटरी पर ही ट्रेन को खड़ा कर दिया और इंजन से उतरकर पटरी के किनारे खड़ा होकर टॉयलेट करने लगा और इतनी देर तक पूरी ट्रेन वहीं खड़ी रही। टॉयलेट करने के बाद ड्राइवर दोबारा इंजन पर चढ़ गया जिसके बाद ट्रेन रेंगते हुए वहां से रवाना हो गई। बताया गया कि बेंगलुरु से मुंबई आने वाली गांधीधाम एक्सप्रेस वसई रेलवे स्टेशन को पार कर रही थी, तभी ड्राइवर ने बिना इजाजत ट्रेन को खड़ा कर दिया और कुछ मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रखने के बाद वो दोबारा ट्रेन को लेकर रवाना हो गया। वहीं ड्राइवर पर ट्रेन में सवार यात्रियों को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया जिसके बाद रेलवे प्रशासन मामले की जांच में जुट गया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से 2 लाख के इनामी नक्सली अजीत रे को गिरफ्तार करने का दावा किया। 9 तारीख को गढ़चिरौली से एक अजीत रे नाम के आदमी को अरेस्ट किया है। यूपी के हरदोई में कुछ लोगों पर सट्टे के 200 रुपए के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में एक लड़के की हत्या का आरोप लगा। बिहार के बेगूसराय में कम सैलरी देने का आरोप लगाते हुए पिछले 21 दिनों से हड़ताल पर चल रहे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी के हमीरपुर में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए के हमले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में मतदान से पहले पोलिंग बूथ के पास से बरामद आईडी को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में रिहायशी इलाके में घुसे एक अजगर को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया।
तमिलनाडु के चेन्नई में खेले गए टी20 मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। बीजेपी नेता अजेंद्र अजय ने फिल्म केदारनाथ पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित द ग्रेट खली के कार्यक्रम में राखी सावंत और अर्शी खान भी शामिल हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में सिविल अस्पताल के फर्श पर एक महिला ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आरोप है कि इस बीच ना तो कोई डॉक्टर महिला की मदद के लिए पहुंची और ना ही अस्पताल में काम करने वाले दूसरे लोगों ने उसकी मदद की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। वीडियो में हॉस्पिटल के अंदर फर्श पर एक महिला गंभीर हालत में पड़ी दिखाई दी। वो जमीन पर तड़पती रही, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बताया जा रहा है कि महिला टीबी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट थी। 4 नवंबर को टॉयलेट से लौटते वक्त उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और फर्श पर गिर गई। वो काफी देर तक वहाँ तड़पती रही और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। कोई बुलाने भी जाता है ना, नर्स वगैरह को, सिस्टर वगैरह रहती है, तो 2 झाड़ सुना के और भगा देती है। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के बाद हॉस्पिटल प्रशासन ने कमेटी बनाकर मामले की जांच की और हॉस्पिटल को क्लीन चिट भी दे दी। जांच कमेटी जो है वो पीएमओ साहब के निर्देश पे बनाई गई है और जांच में जो है किसी लापरवाही की आशंका नहीं है। हालांकि महिला के परिवार वालों ने हॉस्पिटल के डॉक्टरों और नर्सों पर इलाज में भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वाराणसी में आज 6 दिन चलने वाली प्रचारक संवर्ग की बैठक में शामिल होंगे। भागवत 6 दिनों तक वाराणसी में ही रुकेंगे। इस बीच भागवत 6 राज्यों के प्रचारकों के साथ साथ राम मंदिर समेत 2019 चुनावों पर चर्चा करेंगे। वहीं पीएम मोदी भी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भागवत और मोदी एक साथ वाराणसी में रहेंगे। संघ की बैठक की जगह से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वाजिदपुर में पीएम की सभा भी होगी।